हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका घर में बगीचे चैनल में। मेरा नाम है पंकज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ड्रिप इरिगेशन से संबंधित पूरी जानकारी देने वाला हूं कि मैंने इसे कैसे लगाया है, लगाने का प्रोसेस क्या, यानी जिसका इंस्टॉलेशन होता है वो कैसे होता है। यहाँ पर ये देखिए वेंचुरी रखी है, ये फिल्टर रखा हुआ है, यहाँ वेंचुरी इसमें फिट होगी। और ये देखिए ये पाइप है जिसमें होल नहीं होते हैं, बाकी ये सारे पाइप हैं 3 इंच वाले और 2 इंच वाले। तो सारा का सारा यहाँ पर सामान मटेरियल आ चुका है, खेत पे आधी इंस्टॉलेशन होना है। पंप सेट पर मैं लगा रहा हूँ क्योंकि पंप सेट पर हमने अभी तक देखा है कोई वीडियो नहीं है कि पंप सेट पर ड्रिप इरीगेशन चलता है या नहीं चलता है। तो आज आपको लाइव दिखाने वाला हूँ ड्रिप इरीगेशन को चला करके, और पूरा बढ़िया से आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल करके। पूरा एक ही वीडियो में सब कुछ देने वाला हूँ जो आपको किसी ने दिखाया नहीं होगा। और मैं यह सब्सिडी पर लगवा रहा हूँ, जो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम है वो सब्सिडी पर लगवा रहा हूँ गवर्नमेंट से, वो अभी बहुत ही अच्छी कंपनी से। तो कुछ भी मिस मत कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए ये जो मेन लाइन यहाँ पर आनी है उसके लिए हमने यहाँ पर जो गहरी नाली खोद रखी है, लगभग 1 फीट गहरी खोदी है, ज़्यादा गहराई नहीं ली है क्योंकि इधर कोई ट्रैक्टर वगैरह आता नहीं यहाँ पर है, और इधर किनारे जगह खाली पड़ी रहती है। यहाँ पर 1 एकड़ में करेला हमारा लगा हुआ है, जो गर्मियों में थोड़ा दिक्कत हो रही थी उसमें सिंचाई करने में, तो इसके लिए हमने सोचा कि यहाँ पर ड्रिप लगवाया जाए। तो हमने आवेदन किया था, ड्रिप वहाँ से पास हो गई है, तो इसलिए यहाँ पर मटेरियल भी हम ले आए थे, पूरा आ चुका है मटेरियल। और यहाँ पर दिखाते हैं आपको, ये हमारा इंजन रखा हुआ है, 8 HP का इंजन है दोस्तों यहाँ पर हमारे पास, काफ़ी पुराना है और ये काफ़ी कई साल पुराना है, यहाँ लगभग 10-12 साल हो चुके हैं इसको लिए हुए। ये देखिए ये हमारी फील्ड है इधर करेला की, तो इसमें पत्तियाँ जो है वो पीली पड़ रही हैं, और देखिए धूप ज़्यादा चल रही है तो इसलिए यहाँ पर हवाएं भी गर्म आती थी, इसलिए यहाँ पर जो फसल है वो थोड़ा सूखने सी लगती थी दोपहर में। तो इसलिए यहाँ पर ड्रिप लगाना बहुत ही हमारे लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि पानी सिंचाई भी हो जाएगी, साथ में खाद वगैरह दवा वगैरह कुछ भी देना रहेगा तो वो हम दे सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ देखिए ये जो अभी थोड़ा खुदाई बाकी रह गई है, यहाँ पर हम खोद देंगे इसको, खुदाई कराएंगे अभी, और आज ही आपको इसी वीडियो में सब कंप्लीट दिखाने वाले हैं। चलिए आपको दिखाते हैं आगे कि क्या करना है। जो मेन लाइन है पहले उसको हम डाल लेते हैं यहाँ पर, अभी जो फिटिंग करेंगे इसके वो लोग आने वाले हैं, बहुत पहुँचने वाले हैं, तो उनका वेट कर रहे हैं हम, खेत पर ही आज रुके हुए हैं। और दोस्तों ये देखिए अभी वो लोग सब लोग आ चुके हैं, और यहाँ देखिए मेन लाइन जो है वो डाली जा रही है यहाँ पर, इस तरीके से 3 इंच का जो पाइप था वो यहाँ पर डाला गया है अभी। और ये देखिए इसको बढ़िया से फेविक्विल से जोड़ के इस तरीके से डाल दिया गया है, इस पर ऊपर से मिट्टी बंद कर दी जाएगी, लेकिन अभी नहीं, जब भी इसको स्टार्ट कर लेंगे एक बार चेक कर लेंगे कहीं फूटा उटा तो नहीं है या कहीं से लीकेज ना हो, तो उसके बाद हम इसको यहाँ से बंद करवा देंगे। तो ये इसकी जो लंबाई है दोस्तों काफ़ी है, लगभग 50 मीटर के आसपास लंबाई थी। ये देखिए इधर जो मेन लाइन के बाद यहाँ पर ये एक मेन लाइन हम लास्ट में और ले जा रहे हैं, अब इसी में यहाँ पर 2 इंच की सब लाइन बिछाई जाएगी, वो भी आपको दिखाते हैं अभी। ये देखिए इसमें होल किए जा रहे हैं, 1.2 मीटर पे यहाँ पर दो होल ले रहे हैं। अब यहाँ पर वाशर वगैरह लगा करके अच्छे से टाइट करके यहाँ पर कस दी जाएंगी। इनकी फिटिंग चल रही है, आपको दिखाते हैं कैसे फिट किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर जो मेन सब लाइन है उसमें से ड्रिप सिस्टम में बनाया जाएगा, ड्रिप लाइन को जोड़ने के लिए यहाँ पर देखिए इस तरीके से बनाए जा रहे हैं। और जितने भी यहाँ पर कटिंग की गई है, 2-2.5 फीट के यहाँ पर टुकड़े काटे गए हैं, उसमें से बढ़िया से उसमें जो आगे ऑन ऑफ करने वाली स्विच है वो भी लगा दिया गया है। और यहाँ पर इसमें जो है वेंचुरी लगेगी, ये देखिए यहाँ पर फिल्टर भी इसमें सब कुछ सेट किया गया है, जाली वगैरह लग चुकी है। यहाँ पर देखिए अभी और काम चल रहा है जो भी बचा हुआ है, क्योंकि इसमें लगाने के लिए एक तरफ तो लग चुका है, अभी दूसरी तरफ बाकी है लगाना। ये देखिए इससे हम ऑन ऑफ भी कर पाएंगे, जितनी टोटी आपको चलाना हो यानी जितने भी आपको पाइप चलानी हो उतनी आप चला सकते हैं, तो यहीं से आप ऑन ऑफ कर पाएंगे आराम से। ये देखिए बहुत अच्छा रहता है, इससे लगाना ज़रूरी भी होता है ये, और कम खर्चे में जब लगाना होता है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी सारी सुविधाएं मिल रही हैं, और यहाँ पर गवर्नमेंट के यूपी की बात कर रहे हैं अपने यहाँ की, तो यहाँ पर दोस्तों 90% पे सब्सिडी है, यहाँ पर 90% सब्सिडी है, 10% केवल फार्मर को देना होता है, बाकी सब कुछ फ्री चल रहा है यहाँ, तो किसान भाई यहाँ की काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके यहाँ कितना परसेंट सब्सिडी चल रहा है आप लोग कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से बिछा लिया गया है, 1.2 मीटर पर यहाँ अलग अलग दोनों तरफ को लगाई जाएंगी ताकि दोनों तरफ की सिंचाई आसानी से हो सके। अब चलिए आपको दिखाते हैं थोड़ा आगे, यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो वाशर होते हैं वो यहाँ पर डाले जा रहे हैं, इनको डालने के बाद यहीं पे वो दोस्तों लगा दिया जाता है, पाइप लगा दिए जाएंगे और ये मिट्टी में दबा दिया जाएगा पाइप को। ये देखिए ये जो है एक तरफ का ये जो लगा हुआ है नीला वाला, इसको इसमें लगा दिया जाएगा, अच्छे से ये फिट कर दिया जाएगा, अभी आपको वो भी दिखाएंगे। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं थोड़ा और आगे, यहाँ तक देखिए ये काम चल रहा है इधर का, पहले पाइप को पूरा लंबाई में जोड़ लिया गया है जो लगभग 70-80 मीटर पाइप लंबा था इधर का। अब यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ का यहाँ पर जो लगा है दूसरा सिरे का, वो भी यहाँ पर कंप्लीट किया जा रहा है,
ताकि इसको आसानी से लगा दिया जाए। पाइप बहुत क्वालिटी अच्छी है, बहुत ही मजबूत पाइप है। देखिए किस तरीके से ठोक करके लगाया जा रहा है, क्योंकि जो हमने पाइप बहुत सारे देखे हैं जो पाइप इस तरीके से, तो ठोकने की बात छोड़ो, उनको ज़रा सा हाथ से ऐसे पकड़ लो तो मुड़ जाते हैं, उनमें ठोकता नहीं है ये। तो ये देखिए अभी यहाँ पर डाल दिया गया है इसको नाली में, और यहाँ इसको सेट किया जा रहा है, क्योंकि हम ऐसा चाह रहे थे कि यहाँ पर दो लाइन अलग अलग कर दी जाए, बीच में यहाँ पर जॉइंटर लगा देंगे यानी ऑन ऑफ करने वाला, कि हम एक लाइन को आधे खेत को एक बार में चला सकें और आधे को एक बार में चला सकें, या फिर हम दोनों को चलाना चाहें तो दोनों को एक साथ भी चला सकें। तो इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट किया जा रहा है, बीच में एक ऑन ऑफ वाला वाल्व जो है लगाया जा रहा है। और इधर दोस्तों ये वेंचुरी का सिस्टम फिट हो रहा है, वेंचुरी भी काफ़ी अच्छी है, 2 इंच की वेंचुरी लगवा रहे हैं हम, ताकि यहाँ पर बहुत ही अच्छा चले। जो भैया लगाने वाले हैं उनसे भी बोला था, तो वो अपने हिसाब से बहुत अच्छी वेंचुरी लेकर आए हैं। वो बोल रहे थे कि अगर आप 1.5 इंच की लगाते हैं तो उसमें थोड़ा प्रेशर कम रहता है, लेकिन 2 इंच की वेंचुरी में काफ़ी अच्छा प्रेशर आता है, तो इसलिए 2 इंच की वेंचुरी यहाँ पर लग रही है और हमको इस्तेमाल करना है, आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाने हैं, इसलिए यहाँ पर हम 2 इंच का भी लगवा रहे हैं। यहाँ पर देखिए इसको खोल लिया गया है, पंखे को ऊपर का जो बैंड होता है उसको हटा दिया गया है, और ये 3 इंच की लाइन यहाँ पर पड़ी हुई है, और ये हमारा इंजन खड़ा है, इसी पे पूरा सेट होने वाला है अभी। दोस्तों हमने जून के शुरुआत में ही आवेदन कर दिया था, और इससे हमारा जून के महीने में ही यहाँ पर देखिए फिटिंग भी हो रही है, पूरा सेट हो रहा है, तो कोई देर ज़्यादा नहीं लगी। अगर देखा जाए तो बहुत जल्दी काम हो रहा है, तो एक महीने के अंदर ही सब कुछ यहाँ पर खेत पे सामान जो आ करके और लग भी रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर देखिए ये जो नाली है यहाँ तक इस तरीके खोद ली गई है, और पाइप को जोड़ कर यहाँ पर बस इसको खिसका देना है बीच में। यहाँ पर जो सिस्टम लगेगा अभी उसके लिए देखिए तैयारी हो चुकी है, और जो पाइप था ये पाइप को इस तरीके से गर्म किया जा रहा है। गर्म करने के बाद जो 4x4 का यहाँ पर जो सॉकेट होता है जो आयरन का, उसके ऊपर देखिए इस तरीके से भैया जुगाड़ बना के यहाँ पर सेट करते हैं, और यहाँ पर बहुत अच्छा हो रहा बनता है। बोल रहे थे कि इसमें लीकेज वगैरह कुछ भी नहीं होगा, परेशान मत होइए। तो अभी देखते हैं कैसा ऐसे बनेगा। यहाँ पर देखिए गर्म करके अभी भी आग लगी हुई है और इस तरीके से बनाया जा रहा है, तो इसको जो है यहाँ पर कस दिया जाएगा पंखे के ऊपर, और इसमें से कोई लीकेज वगैरह नहीं आएगा। साथ में एक रबर का जो बीच में हिस्सा होता है रखने वाला, वो भी लाए हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए ये टी लगाई जाएगी, ताकि कभी भी हम यहाँ पर पानी चाहें तो फीता डाल करके सिंचाई भी कर सकें, ओपन बिल्कुल रहेगा। ये देखिए इस तरीके से बन गया है, अब यहाँ पर इस तरीके से लगा करके सेट कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये सेट हो चुका है, अब इसको बारी है फिट करने की पंखे के ऊपर। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे इसे फिट करना है। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से रख करके यहाँ पर नट बोल्ट से कस दिया गया है, और इधर देखिए तैयारी चल रही है। यहाँ पर भी वेंचुरी का सिस्टम फिट हो चुका है पूरा, अभी यहाँ पर इसको इस तरीके से सेट किया जा रहा है ताकि ये बिल्कुल हिले नहीं और मजबूती भी रहे। ये देखिए यहाँ पर जो वेंचुरी का पाइप है वो सब सेट हो चुका है, और उधर जो ड्रम पड़ा है उसी में हम यहाँ पर दवा वगैरह जो खाद वगैरह देना होगा तो उसी में डाल के चला दिया करेंगे। उसको ढकने के लिए हमने रखा था, इंजन को ढकने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर जो फिल्टर सिस्टम है वो यहाँ पर लगा हुआ है, समय इरिगेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से ये जो लग रहा है, ये जो मटेरियल है उसका कंपनी का है। और यहाँ पर देखिए ये गेज वगैरह लग चुके हैं, सारा फ्लश वाल्व उधर लग चुके हैं, यहाँ पर जो प्रेशर वाल्व है वो भी लग चुका है। और ये देखिए जितना अच्छे से आप इसको लगा लेंगे उतना अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखिए इसको अभी नाली को जो है थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मिट्टी डाल दी जा रही है, पूरा फाइनल इसको यहाँ पर चेक करने के बाद ही डाला जाएगा, ताकि वो हिले नहीं पाइप चलाने के बाद, प्रेशर से इधर उधर भगे नहीं, क्योंकि अभी अभी ताज़ा ताज़ा बन रहा है, ये जो फेविक्विक होता है उसे चिपकाया गया है। यहाँ पर सारे वाल वगैरह लग चुके हैं और लोग आ चुके हैं देखने के लिए कि कैसे ये इंजन पर चलेगा। तो देखिए आपके सामने अभी हम दिखाते हैं, यहाँ पर जो आगे ही थोड़ा सा मिट्टी ज़्यादा डाल दी गई है ताकि ये इधर उधर हटे ना। दोस्तों देखिए काफ़ी मेहनत के बाद इंजन को चालू कर दिया गया है, सारा सेटअप हो चुका है, और यहाँ पर जो पानी है वो आने लगा है। ये देखिए इधर अभी प्लस वाले से पानी थोड़ा थोड़ा निकाला जा रहा है और आगे जा रहा है पानी। इधर देखिए इनमें भी सारी जितनी भी यहाँ पर टोटी लगी हुई है सब में पानी निकल रहा है बहुत अच्छी से तरीके से, जबकि अभी बाहर ओपन है एकदम से, बाहर लास्ट में देखिए यहाँ पर खुला चल रहा है। अगर इसको बंद कर दिया जाएगा तो प्रेशर कितना बढ़ जाएगा ये आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो देखिए अभी हमने जितना भी आपको चीज़ें बताई हैं वो जितना हमें हो सकता था जानकारी थी उतना हमने बताया है। अगर आपकी कोई जानकारी छूटती है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उसका वीडियो देंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सब्सिडी पे कैसे मिलता है, कितना समय लगा, कैसे आवेदन करना है, तो उसका भी वीडियो हम आपको बना के दे देंगे, लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे तो ज़रूर हम देंगे। आप लोग कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए ड्रिप इरीगेशन संबंधित तो हम आपको बिल्कुल जानकारी देंगे और उसका कंप्लीट वीडियो बना करके दे देंगे आप लोगों को।
तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कीजिए, जो लोग परेशान हैं सिंचाई कर करके और पानी बचाना चाहते हैं। दोस्तों एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि इस पूरे एक हेक्टेयर की ड्रिप लगाने में मात्र 16,400 कुछ रुपए का हमारा खर्चा आया है, क्योंकि 10% ही देना होता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मटेरियल मिला है। तो आप लोग कहेंगे तो हम उसे ज़रूर वीडियो बनाएंगे।